प्रेज द लॉर्ड कलीसिया, जो आज के भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है, हम आज के नू। आइए वचन की ओर बढ़ते हैं। फिलिपियों का पहला अध्याय 10वां वचन, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पौलुस है फिलिपी की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जो वहां के विश्वासी हैं मसीह पे, जब से उन्होंने विश्वास किया है और तब से लेकर मसीह के आने तक वो अपने आप को बनाए रखे परमेश्वर में, अपने आप को उत्साहित करते रहे या फिर अपने आप को बनाए रखे उस परमेश्वर के मसीह की तरह वो बनते रहे। और जो जो बनाए रखना है, बने रहना है, वो सबसे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम लोग हम जैसे कि हम अपनी जिंदगी में या फिर अपने विश्वास की जिंदगी में कभी कभी निराश हो जाते हैं, कभी कभी ढीले पड़ जाते हैं, राइट। लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और अपने आप को बनाए रखो मसीह के आने तक, राइट। तो यहाँ पे इसको और भी अच्छे समझाने के लिए आपके सामने नूह का उदाहरण रखता हूँ। जो नूह है, जिसके हम स्टोरी अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर उसके करीब आते हैं और उसको 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 कहते हैं, एक कार्य करने के लिए कहते हैं कि नाव बनाए, और परमेश्वर जल प्रलय लाने वाले हैं जो कि सबका न्याय होने वाला है, राइट। और उस समय कोई भी विश्वासी नहीं, उस समय कोई भी नूह को सांत्वना देने वाला नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि नूह जो है वो नाव तैयार करता है, राइट। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर ने नूह को समय नहीं बताया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने नूह को करने के लिए कहा है, नूह उसे चुपचाप विश्वास के साथ करे केवल, राइट। परमेश्वर पे भरोसा करके उस कार्य को वो पूरा करे। और नूह ने केवल सिर्फ 1 साल या 10 साल या 20 साल नहीं, पूरे 120 साल तक वो कार्य करता रहा परमेश्वर के। तो शायद हमें लगता होगा कि ये 120 साल तो ऐसे ही बीत गए होंगे, लेकिन शायद ये जो 20 साल जो 120 साल का जो दरमियान है, जब से परमेश्वर उसको नाव बनाने के लिए कहा था और तब से लेकर जल प्रलय के आने तक, शायद नूह ने भी बहुत सारी निराशाओं को अपनी जिंदगी में और बहुत सारे लालसाओं को, बहुत सारे उलझनों को और बहुत सारे निराशाओं को उसने अपनी जिंदगी में फेस किया होगा। जैसे कि मैंने कहा कि नूह जो है एक ऐसे परिसर में है जहाँ कोई भी विश्वास करने वाला नहीं, जहाँ कोई भी नूह को सांत्वना देने वाला नहीं, राइट। तो ठीक ऐसे ही आज परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है, एक ऐसे जगत में जहाँ कोई भी परमेश्वर से प्रेम करने वाला नहीं। आज परमेश्वर ने भी हमें संसार के सामने एक उदाहरण रखा है कि हम और परमेश्वर ने भी हमें नूह की तरह एक कार्य सौंपा है कि हम यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं और यीशु मसीह के आने की बाट जोहते रहें, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि जो नूह है वो किस तरीके से अपने आप को, तो हम लोग देख सकते हैं कि शायद ये इतने लंबे दरमियान के जो बीच का जो समय होगा उसके लिए बहुत कठिन होगा। शायद वो हर दिन, हर घंटे और हर साल अपने आप को समझाता होगा, अपने दिल को मनाता होगा। शायद वो अपने आप को हर दिन परमेश्वर के वचन के पास लेकर आता होगा, राइट। शायद वो अपनी निराशाओं को, अपने उलझनों को परमेश्वर के पास लेकर आता होगा। वो हर एक सोच जो परमेश्वर के विरुद्ध है वो उससे हर दिन लड़ता होगा, क्योंकि नूह एक ऐसे परिसर में जहां कोई भी विश्वासी नहीं। शायद वो हर दिन धीरज के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता होगा कि परमेश्वर मुझे धीरज दे कि मैं भरोसे के साथ काम कर सकूं, राइट। शायद वो हर दिन अपने आप को संसार से अलग करके रखता होगा और अपने आप को मसीह में बनाए रखता होगा इस तरीके से, राइट। तो जिस तरीके से नूह ने जब से परमेश्वर उसको नाव बनाने के लिए कहा था तब से लेकर जल प्रलय के आने तक, इतने बड़े, इतने लंबे समय के दरमियान में जिस तरीके से वो अपने आप को समझाता था, वो अपने आप को बनाए रखता था, वो अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को सौंपता था ताकि वो हर दिन परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सके, राइट। तो चाहिए
तो चाहिए कि आज हम भी अपने आप को अपने आप को जब से हमने मसीह पे विश्वास किया है और मसीह के आने तक अपने आप को इसी नूह की तरफ बनाए रखें, और जो पौलुस की भी प्रार्थना है कि तुम अपने आप को बनाए रखो, आज चाहिए कि हम भी नूह की तरह अपने आप को इसी तरह ढाढ़स बांधाए, अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखें, अपने आप को उस संसार से अलग करके हम अपने आप को रखें, राइट। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि तो जिस तरीके से नूह को परमेश्वर ने नाव बनाने के लिए कहा, आज परमेश्वर ने हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा है, राइट। और जिस तरीके से नूह को परमेश्वर ने समय नहीं बताया, आज हमें भी समय नहीं बताया गया कि कब यीशु मसीह आएंगे, राइट। तो जिस तरीके से नूह आशी में जी रहा था, आज हम भी आशी में जी रहे हैं, और जिस तरीके से नूह की आशा पूरी हुई, हमारी भी आशा पूरी होगी, राइट। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है, जो उसने उस लंबे समय के दरमियान जिंदगी जी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए तो इब्रानियों के 11 अध्याय में विश्वास के वीरों में नूह का नाम गिना जाता है, राइट। तो मैं आप सब लोग को उत्साहित करना चाहूंगा कि जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते और परमेश्वर अपने आप, तब तक हम अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखें और अपने आप को समझाते रहे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते रहें, राइट। और विश्वास के, ताकि हम विश्वास के साथ उस कार्य को पूरा कर सकें जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, राइट। आमीन।